वक्त युवकों ने अकेला पाकर उसकी जमकर पिटाई की। लेकिन इस बीच पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दबंगों से युवक की जान बचाई। मामला शनिवार की दोपहर का है, जहां मऊरानीपुर के झलकारी बाई प्रतिमा के पास कुछ लोगों द्वारा एक युवक की सरेआम लाठी डंडे से मारपीट कर दी गई। लेकिन इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक युवक को मार रहे हैं। तब पुलिस ने अपना दायित्व निभाते हुए मौके पर पहुंचकर दबंगों पर बल प्रयोग करते हुए दो को हिरासत में ले लिया। मऊरानीपुर के नेहरू नगर बाग निवासी अंकित ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि विगत रात्रि वह एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां पर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद वह सीधा घर चला आया। लेकिन शनिवार की सुबह जब वह झलकारी बाई सर्किट हाउस के पास खड़ा था, तभी कुछ लोग आए और लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने मसीहा बनकर युवक की जान बचाई। जब समझाने के बाद दबंग नहीं माने तो पुलिस ने हंगामे को शांत करने के उद्देश्य से बल का प्रयोग करते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अंकित रघुवर। अंकित, क्या घटना हुई थी आज आपके साथ? ये हुई कि हम रात में मैटर हुआ था, थोड़ी हमने गेट खोल दिया था और दरखास्त पैलेस का गेट खोलने पर इन लोगों ने पहले हमें रात में मारा शटर में पेड़ के अंदर। उसके बाद अभी आप गया तो लोग 25-25 लोग थे और आज इनने मारपीट की गई PWD के पास। अच्छा। हाँ, और इसमें धर्मवीर और उनके ये आंसू, आमिर और अज्ञात लोग बहुत से, और ये गणेश का लड़का था ये पैलेस वाला, और बिलाद लोग थे 20-25 लोग। अच्छा, तो फिर तुम कैसे बचे? बचाने सर कुछ लोग, कोई नहीं था उधर, वो तो आप लोग आ गए तो हम बच गए, नहीं तो हम बच गए। पुलिस भी पहुंची थी? पुलिस भी प्रेजेंट में पहुंची थी, दरोगा जी पहुंची थे दो लोग। हाँ, उन्होंने भी बचाया, 3 लोग पकड़ के ले आए, 2-3 लोग, बाकी सब लोग भाग गए। बाकी सब लोग भाग गए और पैसे ऐसे डाले थे, बंदूक की बटन मारी थी लगती। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।